तो मैंने अपडेट कर लिया iOS 18.1 का अपडेट, और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास काफी लोगों ने कमेंट किया कि इस अपडेट को करने के बाद उनके फोन में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। अगर आपके पास iPhone 13, 14, 15, 16 कोई भी फोन है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, 3 से 4 मिनट की वीडियो देखते रहिए। और अगर आपने पहले अपडेट कर लिया है तो कौन सी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, तभी मैं वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे कैसे पता चला लोगों ने कमेंट किया ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बता दूं और सॉल्यूशन भी आपको बता दूं कैसे क्या आपको करना है। तो मैंने भी अपने iPhone 13 मेरे पास है, इसमें अपडेट कर लिया है iOS 18.1 का, और इसको मैंने कल ही अपडेट किया। लगभग 24 घंटे से मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ, और इसमें बैटरी पे भी 15% है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रेड हो गया है। तो सबसे पहली चीज, जब आप अपडेट करें तो आपको बैटरी कम से कम 70% या उससे ज्यादा चार्ज रहनी चाहिए, और आपके फोन में कम से कम 1 से 2 GB स्टोरेज खाली रहनी चाहिए। मेरे पास पहले से ही मैंने अपडेट किया था iOS 18 का, तो मेरे पास लगभग 600 MB का अपडेट आया था, तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। अगर आपने नहीं किया है तो ज्यादा GB में जा सकता है, तो मिनिमम 2 से 3 GB आप स्पेस फ्री रखिए, कितना भी कम तो 2-3 GB आप अपने फोन में फ्री रखिए, तब भी आप अपडेट करिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आया है, ग्रीन लाइन स्क्रीन हो जा रहा है, मतलब स्क्रीन गायब हो जा रहा है, यहाँ पर लाइन आ जा रही है, तो इन सब चीजों से आप बच सकते हैं अगर आप ये बैटरी वाला और स्टोरेज वाला प्रॉब्लम पर ध्यान रखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस अपडेट के बाद क्या क्या प्रॉब्लम लोगों में आ रही है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम की बात करें, जो पिछले अपडेट में आई थी iOS 18 में, जो मेजरली iPhone 16 जिनके पास था उनकी में प्रॉब्लम आई थी, कि वो जब कोई ऐप को यहाँ पर ओपन करते थे, जैसा कि मैं सेटिंग को ओपन कर रहा हूँ, तो वो ग्लिच हो जाता था, मतलब बंद हो जाता था। मतलब मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, जैसे ये मैंने ऐप ओपन किया तो इतना ओपन हो गया, फिर बंद हो जाता था। बहुत लोग के साथ ये प्रॉब्लम आती थी, बट अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अभी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं पिछले जब भी यूज कर रहा हूँ तो मुझे बस एक चीज का थोड़ा लगा कि बैटरी पता नहीं क्यों थोड़ा कम चल रहा है, मुझे लग रहा है, बट पता नहीं ये रियल है या नहीं, क्योंकि अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, अभी एक दो दिन से गर्मी भी ज्यादा बढ़ गई है, तो गर्मी में क्या पता उसके वजह से बैटरी जल्दी उतर रही, क्योंकि गर्मी में आईफोन के साथ ये होता है, हीट होता है और बैटरी जल्दी उतर जाती है, तो क्या पता वो दिक्कत हो। और बहुत लोगों का कमेंट आया कि उनका बैटरी परसेंटेज चला गया, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे बैटरी में यहाँ पर आप देख रहे हैं 92% हेल्थ है मेरे बैटरी परसेंटेज का, और उतना ही था जितना पहले था, उतना भी कोई दिक्कत नहीं आया। iOS 18 मैंने अपडेट किया था, तब भी कोई दिक्कत नहीं आया है। आवाज थोड़ा क्या पता चेंज लग रहा हो, जुकाम हो गया है मुझे थोड़ा, यहाँ पर दिल्ली में कभी धूप हो जाता है कभी ठंडी हो जाती है, इस वजह से। तो अब चलिए टॉपिक पर आते हैं, मैंने बता दिया बैटरी परसेंटेज में कोई चेंज नहीं, मतलब बैटरी हेल्थ इशू कोई दिक्कत नहीं आया है, ऐप ग्लिच में कोई दिक्कत नहीं आया, बस दिक्कत कहाँ आया मुझे लग रहा बैटरी थोड़ा कम चल रहा है, अब ये गर्मी की वजह से हो रहा है या अपडेट में कोई दिक्कत है ये मुझे नहीं पता। और अगर आपके पास iPhone 13, 14 या 15 है, 16 वालों के लिए तो ये मेजर अपडेट है, क्योंकि उनके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, अगर ये करते हैं तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने 2-3 वीडियो दिखा, मेरे पास तो 16 है नहीं, ये 13 ही है, तो मैं इसका या 13, 14, 15 तक का मैं बता सकता हूँ, 16 के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैंने वीडियो देखा तो मैं बता दे रहा हूँ कि उसका काफी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अगर आपके पास 16 है तो आप इसको जाइए जल्दी से अपडेट कर लीजिए। अब बारी आती है 13, 14, 15 जिनके पास है उनको क्या करना है, अपडेट कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि iOS 18 में जो दिक्कत आ रहा था वो काफी प्रॉब्लम इस अपडेट में सॉल्व हुआ है। जैसे iOS 17 जब आया था, उसके बाद जब 1 पॉइंट वाला आया तब उसमें काफी प्रॉब्लम सॉल्व हुए, ऐसे ये भी मेजर अपडेट है, काफी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। पता नहीं कैसे बहुत लोगों के साथ दिक्कत आ रही है, बहुत लोगों ने कमेंट किया, बट मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई ज़्यादा दिक्कत, कोई ज़्यादा क्या, कोई दिक्कत ही नहीं है, 0% कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, बस बैटरी का जो मैंने आपको बताया थोड़ा कम चल रही है, ड्रेन जल्दी हो रही, बस वही एक प्रॉब्लम है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिए, बिना हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं आईफोन का जब भी अपडेट आता है या बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ, अगर आपके पास आईफोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका वीडियो आप हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए ना भूलिएगा, जल्दी से जाइए इस अपडेट को करिए, बहुत ही मस्त अपडेट है, फोन एकदम मस्त चल रहा है, एकदम चकाचक।